अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ मैटर वेव्स। इसको ऐसे ही हेडिंग डाल लीजिएगा, डिटेक्शन ऑफ मैटर वेव्स। डिटेक्शन ऑफ मैटर वेव्स का मतलब क्या है कि जो डी ब्रॉगली कंसेप्ट है, हम ये बोलते हैं वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज और मैक्रोस्कोपिक बॉडीज दोनों के लिए होता है, बट जब डेली लाइफ में हम देखते हैं तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, और हम फिर ये बोलते हैं कि जो डी ब्रॉगली कंसेप्ट है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए ऑब्जर्वेबल है। तो हम यहाँ पे तीन केसेस में डी ब्रॉगली कंसेप्ट कैलकुलेट करके देखेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, अर्थ के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में और स्टोन के केस में, और देखेंगे तीनों की वेलोसिटी क्या आ रही है। तो डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, मैटर वेव्स आर जनरेटेड बाय एवरी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ of matter wave in the case of macroscopic bodies is extremely small such that it cannot be detected by any instrument or not there is any hope of being detected. This clearly explains why the wave nature of matter wave is not observed in our daily observation. और यहाँ पे फिर हम कुछ example, तीन example calculate करके देखेंगे, और मैंने आपसे last time calculate भी कराया था कि आप अपने लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करें जिसके आंसर आपका 10^-34 या 10^-35 के ऑर्डर का आ भी रहा था, तो आपने देखा था कि कितना कम वेवलेंथ था, ठीक है। तो ऐसे ही हम आज अर्थ के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए और स्टोन के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये लिख लीजिए डिटेक्शन ऑफ मैटर वेव्स, और फिर इसको लिखना स्टार्ट करिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द मैटर वेव्स आर जनरेटेड, हाँ जी, डिटेक्शन ऑफ मैटर वेव्स। और अब हम क्या कर रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो पहले अर्थ की कैलकुलेट कर लेते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अर्थ। फॉर्मूला हमारा यही है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो मास ऑफ अर्थ लिखिए, मास ऑफ अर्थ इज 6.0 × 10^24 kg। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अर्थ, फिर मास ऑफ अर्थ 6.0 × 10^24 kg, ऑर्बिटल वेलोसिटीज 3 × 10^4 मीटर पर सेकेंड, एच 6.625 × 10^-34। ये वैल्यूज कैलकुलेट करके देखिए, जो मैंने लैम्डा कैलकुलेट कर रखा है इसी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अर्थ, और अर्थ के लिए कैलकुलेट करके देखिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस मैम, मैम यही आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है। तो अब फिर डी इसके बाद लिखिएगा, दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन नॉट बी मेजर्ड और डिटेक्टेड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। This is extremely small and cannot be measured by any instrument. D Broglie wavelength of stone. अब stone के लिए calculate करेंगे, तो mass of stone, हमने mass जो लिया है stone का 100 gram का stone लिया है, velocity of stone is 1 m/s। इसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करिए कि ये आ रही है कि नहीं आ रही है। मैम यही आ रही है, यही आ रही है। तो फिर इसके बाद लिख लीजिए
This is also very small and cannot be detected by any instrument. चलिए तो उसके बाद थर्ड केस ले लेते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻³¹. वेलोसिटी हमने इलेक्ट्रॉन की लिया 10⁵ मीटर पर सेकेंड. देखिए ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने जो राउंड ऑफ करके लिया है मैंने वहां पे 10⁻³ लिया ही इलेक्ट्रॉन का मास ये नहीं रखा है तो ये कुछ और आएगा आपका कितना आ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻³¹ केजी. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁵ मीटर पर सेकेंड ले लिया है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताइए. चलिए 3-2 आ रहा है 3-2 कर लीजिए जो आ रहा है 10⁻⁹. ऑर्डर आपका यही आ रहा होगा जो मेरा आ रहा है ठीक है. बस क्योंकि क्या हुआ मैंने ये 9.1 करके नहीं किया था राउंड ऑफ इसलिए आंसर चेंज आएगा. 9.1 से डिवाइड नहीं किया था मैंने. तो क्या देख रहे हो कि हमारे किसके ऑर्डर का है ये एक्सरे के ऑर्डर का है. दस द वेवलेंथ ऑफ वेव इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे विच कैन बी डिटेक्टेड. तो हम क्या देख रहे हैं जो वेवलेंथ हमने अर्थ के साथ कैलकुलेट की स्टोन के साथ कैलकुलेट की वो काफी स्मॉल है कंपेयर टू एनी नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सबसे बहुत स्मॉल है जितने भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जानते हैं उन सभी के कंपैरिजन में 10⁻³⁶ 10⁻³⁰ काफी स्मॉल है जो कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली. इलेक्ट्रॉन का हम कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर हम शो भी कर चुके हैं डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू. तो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन हैव वेव करेक्टर while other is not. ठीक है ना स्टोन हो रहा है ना अर्थ शो कर पा रहा है. तो हम नॉर्मली ये बोल देते हैं कि कोई भी मटेरियल बॉडी जो मूव कर रही है सबके पास वेवलेंथ है बट वो मेजरेबल और सिग्निफिकेंट नहीं है. सिर्फ मेजरेबल और सिग्निफिकेंट किसके लिए है जो इलेक्ट्रॉन है या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है उनके लिए वो मेजरेबल है सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम मॉलिक्यूल्स. उन वो अगर मूव कर रहे हैं तो उनके साथ जो वेव एसोसिएट होगी हम उस वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं. बट स्टोन है अर्थ है या हम है हमारे साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी वेवलेंथ को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं ठीक है. तो हम नॉर्मली ये बोल देते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज सिग्निफिकेंट ओनली माइक्रोस्कोपिक बॉडीज ओनली. थस फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज सिग्निफिकेंट. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज ओनली. Thus, dual nature of matter is significant for microscopic bodies only. मैं माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो माइक्रो ये वाला मैक्रो के साथ नहीं होता है. मैक्रो कौन सी है जो हम नेक्ड आई से देख पाते हैं ठीक है. तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए जैसे स्टोन हो गया अर्थ हो गया इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं ठीक है. इतनी कम वैल्यू है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक. हाँ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो हम नेक्ड आई से ऐसे नहीं देख पाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स मॉलिक्यूल्स ठीक है. उन केस के लिए जो है ये ऑब्जर्व कर सकते हैं सिग्निफिकेंट हो सकती है. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज सिग्निफिकेंट ओनली माइक्रोस्कोपिक बॉडीज. गिव द डिफरेंसेस बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और क्या करिएगा कॉलम्स बना लीजिएगा. गिव्स द डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एक कॉलम में मैटर वेव्स लिख लीजिएगा एक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिख लीजिएगा ठीक है. तो मैटर वेव्स क्या होती हैं? मैटर वेव्स जनरेटेड बाय मूविंग पार्टिकल चाहे वो पार्टिकल चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो. जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ओनली प्रोड्यूस बाय एक्सीलेटेड चार्ज पार्टिकल.
मैटर वेव्स क्या होती हैं? कोई रेडिएशन एमिट नहीं करती हैं जब वो स्पेस में मूव कर रही होती है, ना ही पार्टिकल मूव करता है, रेडिएशन एमिट करता है, बस ये पार्टिकल के साथ एसोशिएट रहती हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, जब मूव करती हैं तो स्पेस में रेडिएशन एमिट करती हैं। मैटर वेव्स की जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। मैटर वेव की जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो डी ब्रॉगली कंसेप्ट से दी जाती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। वहीं पे डी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। यहाँ पर आप लिख सकते हो एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल है, और वी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। यहाँ पर सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू फ्रिक्वेंसी है, और लैम्डा तो हमारा वेवलेंथ है ही। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टीज हैं या डिफरेंसेस हैं बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बल्कि आप अगर क्वेश्चन आए कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स बताओ, तो जो ये डिफरेंसेस में हम लिख रहे हैं ये मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज ही हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैटर वेव्स क्या हैं? मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स के लिए होती हैं, चाहे चार्ज हो अनचार्ज हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ एक्सीलेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए हैं। मैटर वेव्स से कोई रेडिएशन नहीं एमिट होता, ना ही पार्टिकल से एमिट होता, सिर्फ ये मूव होती हैं और एसोशिएट रहती हैं पार्टिकल के साथ, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है रेडिएशन एमिट करती हैं। मैटर वेव की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। मैटर वेव जो है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी से इसकी वेवलेंथ दी जा सकती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू से। इसके अलावा मैटर वेव की अगर मैं बात करूं, इसकी जो फेज वेलोसिटी होती है वो सी स्क्वायर बाय वी होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होती है वो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, यहाँ पर सी होती है। ये एक्सप्रेशन भी अभी हम ड्राइव करेंगे, यहाँ से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी निकल कर आएगा, इसको हम फेज वेलोसिटी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या कह लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पीछे जो हमने लिखी है वो तो प्रॉपर्टीज हैं ही, साथ में तीन और एक्स्ट्रा लिख रही हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी से लिखा गया है ये, ठीक है, कि लाइटर पार्टिकल के लिए ज्यादा होती है और हैवियर पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होती है। ये हमने क्या किया, मास की टर्म्स में लिख दिया। सेम ऐसे ही हम वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं कि फास्ट पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होती है और स्लोअर पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होती है। और लास्ट अगर वी इक्वल, एक चीज और है, वी इक्वल टू जीरो की भी बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है। लैम्डा इक्वल टू अगर जीरो रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि इंडिटरमिनेंट है। तो हम ये कहते हैं, ये इंडिकेट करता है कि जो मैटर वेव्स है या डी ब्रॉगली वेव्स हैं ओनली मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स के लिए होती हैं, स्टेशनरी पार्टिकल्स के लिए नहीं होती हैं। तो जो ये कंसेप्ट है ये सिर्फ मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स के लिए है। ठीक है, और लास्ट है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज और नेचर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल चार्ज है और अनचार्ज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लाइटर और फास्टर की बात की है, चाहे तो आप इसको अपोजिट करके भी लिख सकते हो। लाइटर की जगह हैवियर पार्टिकल के टर्म्स में लिख सकते हो, फास्टर पार्टिकल की जगह स्लोअर पार्टिकल की टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो ये दोनों को कंबाइंड करके लिख सकते हो, वो लैंग्वेज में बोल देती हूँ, बाकी ये सामने जो पॉइंट्स हैं उनको लिख लीजिए। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग लाइट पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद हैवियर पार्टिकल्स। और सेकेंड पॉइंट जो हम लिख रहे हैं वो है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद स्लो मूविंग पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग पार्टिकल। और लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट वाला मैंने बताई दिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर आज का हमारा ये कंप्लीट होता है।